हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 6 to 12 NCERT सीरीज़ चल रही है पॉलिटी की, जिसमें आज हम करेंगे क्लास 10th का लास्ट चैप्टर, चैप्टर 8, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ठीक है कि डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9th और आज हमने क्लास 10th भी पूरा कम्प्लीट कर लिया है। अब हम कल से अपना क्लास 11th पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूँगी कि अगर किसी ने भी मेरे क्लास 10 तक के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं, क्लास 6 to 10, तो वो जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हर क्लास के सेपरेट अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, तो वो उसमें जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8। उससे पहले अगर किसी भी बच्चे को क्लास 6 to 12 के NCERT के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो, तो वो परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। अगर आप UPSC से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड नोट्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। चैप्टर है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या बातें चैलेंजेस हो जाती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या दिक्कत परेशानियाँ आती हैं। What are the challenges that democracies faces in our country and elsewhere? ठीक है, हमारे कंट्री में या जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो उसको क्या क्या चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। What can be done to reform democratic policies? ठीक है, मतलब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इन चीज़ों में सुधार, बदलाव आ सके। How can our democracy become more democratic in its practice and outcomes? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपनी डेमोक्रेसी को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बना सके, रियल प्रैक्टिस में भी, और जो उसके आउटकम्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, उसमें भी। This chapter does not answer these questions. ये जो चैप्टर है वो इन सब बातों के आंसर तो नहीं देता है। It only makes some suggestion about the way in which we can approach the question of challenges and reform. ये बस कुछ suggestion बताता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन challenges और reform के answers या उस way पे हम लोग approach कर सकते हैं। A challenge is not just any problem. ठीक है, ये challenges कोई सिर्फ problem नहीं है। We usually call only those difficulties a challenge which can significant and which can be overcome. ठीक है, हम लोग सिर्फ उन चैलेंज को डिफ़िकल्टी, those difficulty a challenge, हम लोग चैलेंज मतलब प्रॉब्लम उसको बोलते हैं कि जिसका मतलब समाधान हो सके, सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम नहीं है, एक चैलेंज है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। A challenge is a difficulty that carries within it an opportunity for progress. ठीक है, अगर आप किसी भी प्रोग्रेस की तरफ जाते हो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोग्रेस की, तो उस प्रोग्रेस के बीच में जो डिफ़िकल्टीज आती है, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम लोग चैलेंजेस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस को हम लोग कभी भी ये इम्पॉसिबल होता है सॉल्व नहीं किया जाता, ये पॉसिबल होता है। हर चीज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आती है, तो हमारे डेमोक्रेसी में भी वही दिक्कत परेशानी को हम लोग चैलेंजेस बोलते हैं। There are three types of challenges faced by democratic countries. ठीक है, हमारी democratic countries में तीन तरीके के challenges face किए जाते हैं। एक है functional challenge, दूसरा है challenge of expansion, foundational expense challenge, sorry, दूसरा है challenge of expansion and deepening of democracy. ठीक है, ये तीन तरीके के, मतलब foundational challenge में कि जो एक base बनाना, फिर उसको एक एक्सपेंड करना, देन उसको मजबूत करना, ये तीन चैलेंज हमारे डेमोक्रेसी में आते हैं। फाउंडेशनल चैलेंज में क्या होता है, दीज कंट्री फेस द फाउंडेशनल चैलेंजेस ऑफ मेकिंग द ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी एंड देन इंस्टीट्यूटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, वो कंट्री जिनको क्या होता है, डेमोक्रेसी बनाने में क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को एक डेमोक्रेसी सेटअप लाने में दिक्कत होता है, देन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक इंस्टीट्यूशन बनाने में जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। This involves bringing down the existing non-democratic regime, keeping military away from controlling government and establishing a sovereign and functional state. ठीक है, इन चीज़ों में क्या क्या आता है कि जो अभी के non-democratic regime है उसको हटाना, military को
गवर्नमेंट को कंट्रोल करने से रोकना, एक सोवरिन और फंक्शनल स्टेट उसको बनाना। नेक्स्ट है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन में कौन कौन से चैलेंज आते हैं? मोस्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज फेस द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, अब जहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टैब्लिश है तो अब उस डेमोक्रेसी को बढ़ाया कैसा जाए, बढ़ाएं कैसे? तो बहुत सी कंट्रीज़ इस टाइप के क्या करती हैं, चैलेंजेस को फेस करती हैं। दिस इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अक्रॉस ऑल द रीजन्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड वेरियस इंस्टीट्यूशन। इन प्रोसेस में क्या आता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, उसको आप सारे रीजन्स में अप्लाई करो, हर सोशल ग्रुप पे अप्लाई करो और हर इंस्टीट्यूशन में वो बातें बताओ। इंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू लोकल गवर्नमेंट, एक्सटेंशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल टू ऑल द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। ठीक है, आप क्या करो, लोकल गवर्नमेंट बढ़ाओ, उनको पावर में लाओ, जो फेडरल गवर्नमेंट्स है या फेडरेशन है उनको बढ़ाओ। इंक्लूजन ऑफ वुमेन, आप हर चीज़ में क्या करो, वुमेन्स को इंक्लूड करो, माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करो, एसेट्रा फॉल अंडर दीज चैलेंजेस। ठीक है, ये सब चैलेंजेस आते हैं एक्सपेंशन में। दीज ग्रुप मीन्स दैट लेस एंड लेस डिसीजन शुड रिमेन आउटसाइड द एरिना ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल। ठीक है, इस ग्रुप का मतलब होता है इस चीज़ में कि आप जितना कम से कम क्या कर सको, डिसीजन मेकिंग पावर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक कंट्रोल के बाहर छोड़ो। मोस्ट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया एंड अदर डेमोक्रेसीज लाइक द USA फेस दिस चैलेंज। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, इंडिया या US, ये सब चैलेंजेस क्या करते हैं, फेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है, द थर्ड चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज फेस्ड बाई एवरी डेमोक्रेसी इन वन फॉर्म और अनदर। ठीक है, जिस जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है वो ये चैलेंज फेस करता ही है। कोई किसी वे में फेस करता है तो कोई दूसरे वे में फेस करता है। दिस इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि आप जो भी आपके यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनको स्ट्रेंथ करो, उनको पावर में लाओ और डेमोक्रेसी को एक अच्छे से प्रैक्टिस करो। इन जनरल टर्म्स इट यूजुअली मीन्स स्ट्रेंथनिंग दोज इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प्स पीपल पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, इस जनरल टर्म में ये कहा गया है कि आप उन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाओ, पावर दो, जो कि क्या करता है, पीपल के पार्टिसिपेशन और कंट्रोल को कहीं ना कहीं हेल्प करता है। एवरी चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी इज लिंक्ड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में जितने भी चैलेंज होते हैं वो सब के जो रिफॉर्म सॉल्यूशन के चांसेस होते हैं। लीगल एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड लेजिस्लेटिव मेजर कैन बी केप्ट इन माइंड वाइल डिवाइजिंग वेज फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म। ठीक है, हमें हमेशा लीगल और पॉलिटिकल तरीके से जो भी लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं उनको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए जब भी हम कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करते हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज़ अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लॉ दैट हैज़ इनेबल पीपल टू कैरी आउट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ठीक है, ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना है ये एक बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल है लॉ का, जो कि क्या करता है, एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की तरफ हमें कहीं ना कहीं बढ़ाता है और अवेयर कराता है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कैन बी कैरीड आउट बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड अबव ऑल द पीपल। जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स होते हैं उनको कोई भी कैरी आउट कर सकता है। ठीक है, किसी के थ्रू भी हो सकता है, उसको पॉलिटिकल पार्टीज भी कर सकती हैं, प्रेशर ग्रुप्स भी कर सकते हैं, या हम सब जनता भी मिलके उसे सही कर सकते हैं। अब इसमें बोला है चैलेंजेस इन इंडियन डेमोक्रेसी। जो हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं। ठीक है, तो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं। सम ऑफ द मेजर चैलेंज टू द इंडियन डेमोक्रेसीज आर कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, पॉलिटिकल वायलेंस एंड करप्शन। हमें कुछ मेजर प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, कम्युनलिज्म सिस्टम है, जो पॉलिटिकल वायलेंस, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, या करप्शन। हमें ये सब बहुत मेजर चैलेंजेस हैं जो देखने को मिलते हैं। When there are challenges,
देयर आर ऑल्सो मैनी पॉसिबल रिफॉर्म्स टू, लेकिन जहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन भी होते हैं. कॉमनली डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल. हम लोग क्या जनरली में बोलते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है, जो नॉर्मल पीपल हैं वो इलेक्ट करते हैं. इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर्स विच इक्वल चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल. जो हमारे यहाँ इलेक्शन होता है वो काफ़ी फ्री और फेयर मैनर में होता है और सबको इक्वल चॉइस और इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ दी जाती है, ठीक है. किसी से किसी के राइट्स नहीं छीने जाते हैं. डेमोक्रेटिक राइट शुड नॉट बी लिमिटेड टू वोटिंग, कंटेस्टिंग एंड फॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज. जो डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं वो सिर्फ यहीं तक लिमिट नहीं है कि आप वोट करो, आप कंटेस्ट में पार्ट लो या आप पॉलिटिकल पार्टी बना लो, ठीक है. यहीं तक यहाँ डेमोक्रेटिक राइट्स लिमिटेड नहीं है. डेमोक्रेसी शुड ग्रांट सम सोशल एंड इकोनॉमिक राइट टू द सिटीजन. डेमोक्रेसी क्या करती है, अपने सिटीजन्स, अपने लोगों को क्या करती है, कुछ इकोनॉमिक राइट्स और कुछ सोशल राइट्स भी देती है. द वेरी स्पिरिट ऑफ पावर शेयरिंग शुड बी एक्सटेंडेड टू पावर शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड सोशल ग्रुप्स, ठीक है. जैसे हमने पावर शेयरिंग देखी कि कैसे पावर शेयरिंग गवर्नमेंट और प्रेशर ग्रुप्स के, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे उनके में पावर शेयर होता है, ठीक है. ऐसा नहीं होता है कि सारा कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है. मॉडर्न डेमोक्रेसी शुड रिस्पेक्ट द वॉइस द माइनॉरिटी विद द मेजोरिटी, ठीक है. मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या हो गया है, जो माइनॉरिटी की आवाज़ है, माइनॉरिटी का जो चाहत है, उनकी जो नीड्स है, उसको भी सुना जाता है और मेजोरिटी के साथ सुना जाता है. ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी को हम क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं. द डेमोक्रेसी शुड ऑल्सो एक्सटेंड इट्स स्कोप फ्रॉम मोर गवर्नमेंट एंड इट्स मियर गवर्नमेंट एंड इट्स एक्टिविटीज़ टू एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड, ठीक है. जो हमारी डेमोक्रेसी है वो इस तरीके से एक्सटेंड हो रही है कि जितनी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन है हमारे कंट्री में, गवर्नमेंट में, उन सबको क्या करे, किसी ना किसी वे में हटाया जा सके. डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, एकोमोडेट्स एंड सोशल डाइवर्सिटीज. डेमोक्रेसी को यहाँ पे एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला गया है. क्यों बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल होती है हमारी गवर्नमेंट, हर चीज़ के लिए कंसल्टेशन की जाती है, डिस्कशन होता है, हमारे यहाँ एकोमोडेशन होता है, और जो सोशल डाइवर्सिटीज़ है, जो अलग अलग हमारे यहाँ डाइवर्सिटीज़ हैं, उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है. गुड डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल एंड इंश्योर दैट एवरी सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, ठीक है. गुड डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी हम उसको बोलते हैं जहाँ पे किस तरीके की गवर्नमेंट हो, ऐसी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जिसको लोगों ने चुना हो. लेकिन सिर्फ चुनना ही बड़ी बात नहीं है, जो सिटीजन्स हैं वहाँ के, वो हर डिसीज़न मेकिंग में, एक छोटे से छोटे डिसीज़न मेकिंग में क्या करें, एक्टिवली पार्ट लें, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली ना हो, ठीक है. और ये इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं, ठीक है. तो ये चैप्टर था कि क्या हमें आउटकम्स डेमोक्रेसी के देखने मिलते हैं. तो हमने देखा पावर शेयरिंग होती है, माइनॉरिटी की बात सुनी जाती है, यहाँ पे हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हटाए जाते हैं, अकाउंटेबल हैं लोग, और एक अच्छी डेमोक्रेसी है. हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो राइट्स दिए गए हैं, ठीक है. डेमोक्रेसी को डीपिन करना, एक्सपेंड करना, फाउंडेशन उसका बनाना, तो ये सब हमारा चैप्टर था. और चैप्टर 8 के साथ साथ हमारा क्लास 10 यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है. क्लास 10 तक तो हमें बहुत बेसिक बातें पढ़ने को मिली हैं, लेकिन क्लास 11 से हम क्या करेंगे, अगर जो भी बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो काफ़ी ध्यान से लेक्चर को पढ़ना, क्योंकि क्लास 11 से आपका जो एम लक्ष्मीकांत बुक है वो मैक्सिमम कवर है. आप अगर 11 12th की बुक पढ़ लेते हो तो आपको कहीं भी एम लक्ष्मीकांत आप एक बार रीड करना, वो भी मैं कराऊँगी, लेकिन आपको फिर उस
इसके बाद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है, हम कल से वो लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी लेक्चर समझ में आए हो, और अगर आपने क्लास 6 to 10th नहीं देखा है अभी तक लेक्चर, तो आप फटाफट मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर किसी भी बच्चे को क्लास 6 to 12th एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए होंगे, परचेस करने होंगे, तो वो परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। अदरवाइज अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको एनसीईआरटी या किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे, तो आप उसको भी परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।